चित्रकूट बर्गर में अचानक बर्गर घाटी में लगी आग, वन क्षेत्राधिकारी मौके से नदारद। आज डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो विजय गुप्ता को समय करीब 1 बजे दोपहर को सूचना मिली बर्गर घाटी जंगल में आग लगी हुई है। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो ने इसकी सूचना तुरंत मऊ ब्यूरो रोहिणी कुमार को बताया। रोहिणी कुमार तुरंत जहां पर आग लगी थी वहां पर अपनी टीम बनाकर टीम में किया। ब्लॉक रिपोर्टर बद्री विशाल, कैमरामैन गोरे लाल, रेपुरा रिपोर्टर ओम प्रकाश, विपिन, जितेंद्र, दिनेश द्विवेदी, राज और डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो विजय गुप्ता मौजूद रहे। जब वहां पर टीम पहुंची तो देखा कि जंगल में आग लगी हुई थी। वहां पर मौजूद थाना प्रभारी बड़गर रवि प्रकाश अपनी टीम के साथ काम में लगे हुए हैं। वहां पर मौजूद वन विभाग के बाबू ऋषभ जैन ने बताया अंदर 15 आदमी हैं जंगल में, जबकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने में लगी रही। आप देख सकते हैं थाना प्रभारी बड़गर, फायर ब्रिगेड की टीम, वन विभाग की टीम आग को काबू करने के लिए प्रयास में लगी है, जबकि वन क्षेत्र अधिकारी मौके से नदारद हैं। अब वह मीटिंग में हैं या कहां हैं ये तो जांच का विषय है, जांच के बाद पता चलेगा। जबकि ऋषभ जैन द्वारा जो कार्यालय का है बाबू है, उनके द्वारा बताया गया वन क्षेत्र अधिकारी कार्यालय में है। आखिर यह कितनी बड़ी घोर लापरवाही है आप देख सकते हैं। वन विभाग की टीम ने आग बुझाने में लगी हुई है। रामगोपाल, वन दरोगा आशीष शुक्ला, वन दरोगा विनोद कुमार, बिटकाट परमानंद, रमेश लालमणि, वाचर लेवल 6, ये सब बताया। ऋषभ जैन कार्यालय के बाबू, वन विभाग आग कैसे लगी यह तो जांच के बाद पता चलेगा। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज से मऊ ब्यूरो रोहिणी कुमार की खास रिपोर्ट। आप वन विभाग में क्या है? कार्यालय सहायक है ऋषभ जैन, कार्यालय सहायक हमारे सामने है। ये बताइए आग के बारे में क्या कहेंगे? आग अचानक लग गई है जंगल में, सूचना मिलते ही हम लोग हो गया 2.5-3 घंटा यहाँ आए हुए। धीरे धीरे काबू पा लिया गया है यहाँ पर, अब प्रयास में है कि तो आप करे रहे हैं। ये आपके जो है क्षेत्राधिकारी महोदय क्यों नहीं आए? क्षेत्राधिकारी महोदय उनको सूचना थी वो आने की है, अब वहाँ से उनको उन्होंने सारी सुविधाएं आगे जिसको कंट्रोल रूम को कहना था कह दिए हैं। अब जो बुझाना है कर्मचारियों को बुझाना है, देखिए ओनली वन कार्यालय के एक बाबू मौजूद है ऋषभ जैन, बाकी थाना प्रभारी बरगढ़ अभी हमारे कर्मचारी अंदर हैं। आप 15 कर्मचारी कम से कम अंदर भेज रहे हैं, अंदर अगर वो रोड पे आ जाएंगे तो वो काम नहीं बंद हो जाएगा। अंदर कर्मचारी हैं, अंदर अधिकारी हैं, अधिकारी हैं आपके? अधिकारी डिवीजन ऑफिस में, अधिकारी डिवीजन ऑफिस में है। ये ऋषभ जैन बोल रहे हैं, ये क्या वजह से आग लगी है? आग की सूचना 1 बजे मिली है, 1 बजे ऋषभ जैन बता रहे हैं सूचना मिली है। इस बाद आपने सूचना दी है जिसने हमने तुरंत सूचना सब ऊपर के अधिकारियों को नीचे पूरा जितने स्टाफ थे सबको बुलाकर यहाँ पर आएंगे हम लोग। थाना प्रभारी जी थे उनके साथ मिलकर पूरा सहयोग से आग बुझाई गई। थाना प्रभारी श्री रवि प्रकाश मौजूद है इस समय भी और इनके द्वारा ही सबको मिलकर आग बुझाया, ये ऋषभ जैन बोल रहे हैं। तो आपके अधिकारी को आने के लिए मतलब कुछ आश्वासन आएंगे? आएंगे, वो तो चल चुके हैं, सूचना है पूरा जब से हम लोग का यहाँ लगा हुआ है, पहले सूचना उनको मिली, उन्होंने ही सारे कंट्रोल रूम को फोन किया था। कितने कर्मचारी हैं अंदर? लगभग यहाँ 15 कर्मचारी अंदर जूझ रहे हैं। आप 15 कर्मचारी अंदर है, वन विभाग मतलब दरोगा वगैरह? हाँ, जिसमें दो वन दरोगा है, बाकी फॉरेस्ट गार्ड है और जंगल के जो वाचर वगैरह कर्मचारी ये भी है, वाचर वगैरह कर्मचारी है, गार्ड भी है, सब बताया कितना सही है। अभी फिलहाल उनके ही बात पर अमल किया जा सकता है। ऋषभ जैन